तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि इतने सारे आपको यहाँ पे पोशंस मिल रही है, वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई मटेरियल भी यूज नहीं करना, और फिर भी इतने सारे आपको पोशंस मिलती रहेगी, आपको जितनी भी चाहिए अनलिमिटेड। तो हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू स्प्लेस गेमर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोशन फार्म कैसे बनाना है, वो भी सर्वाइवल मोड में। और इस पोशन फार्म से आपको सिर्फ एक ही बार पोशन बनानी है, और उसके बाद ये पोशन अपने आप ही बनती रहेगी, और आपको जितनी भी चाहिए उतनी सारी मिलती रहेगी, वो भी अनलिमिटेड। और उसमें आपको किसी भी टाइप का मटेरियल भी यूज़ नहीं करना है, जिसके जो पोशन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो आपके लिए मैं ये पोशन फार्म लेके आ चुका हूँ, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे 5.94K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 6000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और एक और खुशखबरी है कि जैसे हमारे 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब मैं चैनल पर कुछ नई नई चीज़ें लाऊंगा, नई नई ऑफर्स लाऊंगा। तो फटाफट 10K सब्सक्राइबर्स भी करवा दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्ले द इंट्रो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सजेशन किया था कि स्प्लिट कंट्रोल्स का यूज़ करो, तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट कंट्रोल्स ऑन कर लिए। अभी इतना भी परफेक्ट नहीं खेल पा रहा, लेकिन धीमे धीमे हाथ जम जाएगा और उसके बाद आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है ये बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ले लेना है 8 कोल्ड्रॉन और 8 पॉइंटेड ड्रिपस्टोन। अब पॉइंटेड ड्रिपस्टोन आपको पता नहीं है कैसे मिलते हैं, तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे वाटर बकेट ले लेनी है, ब्रूइंग स्टैंड लेना है, पावर ड्रिल, रेल चेस्ट, माइनकार्ट विथ हॉपर, रेडस्टोन रिपीटर, रेडस्टोन कंपैरेटर, लीवर, हॉपर और बहुत सारे ब्लॉक्स ले लेना है, जिसकी मदद से आप लोग इस फॉर्म को बना सकते हैं। तो बिना देरी के फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ले लेना है कोल्ड्रॉन, और उस कोल्ड्रॉन को यहाँ पे 8 ब्लॉक तक लगा देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 ब्लॉक तक हम इसे लगा देते हैं। अब यहाँ पे इसको 8 ब्लॉक तक लगा देने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे एक स्मूथ स्टोन का ब्लॉक ले लेना है, और स्मूथ स्टोन के ब्लॉक को मैंने जो पोजिशन पर लगाया है सेम टू सेम आपको भी वही पोजिशन पर लगा देना है। अब इसके बाद एक पावर ड्रिल को उसके एग्जैक्टली आगे लगाना है, और यहाँ पे एक लीवर ले लेना है और उस लीवर को यहाँ पे लगा देना है। अब इस लीवर को हमें यहाँ पे ऑन कर देना है, जिसकी वजह से जो हमारी पावर ड्रिल होगी उसे यहाँ पे पावर मिलना स्टार्ट होगा। और जैसा आप इसका रंग भी देख सकते हैं कि रेड हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली से रेल ले लेनी है, और उन रेल को यहाँ से जो कोल्ड्रॉन के लास्ट तक है वहाँ तक उसे कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से। तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे 5 ब्लॉक्स तोड़ देने हैं जो रेल है, उसके बाद से आपको 5 ब्लॉक्स तोड़ देने हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे सामने के जो दूसरे और 5 ब्लॉक्स भी आपको तोड़ देने हैं। तो अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इसे एक ब्लॉक तक और डीप कर देना है। तो यहाँ पे हमारे जो पूरा का पूरा ये रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे ले लेनी है चेस्ट, और यहाँ पे हमें 2 चेस्ट लगा देनी है, यहाँ पे बेड के नीचे लगा देनी है 2 चेस्ट जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए। अब इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे और चेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे बाद में भी एक्सपांड कर सकते हैं, ज़्यादा चेस्ट लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे हॉपर ले लेना है, और उस हॉपर को हमारी चेस्ट से कनेक्ट कर देना है। आपको इसको सही से कनेक्ट करना होगा कि जिसकी मदद से जब हमारी माइनकार्ट विथ हॉपर यहाँ पे आएगी तो वो पूरा का पूरा जितनी भी पोर्शंस होगी वो सारे के सारे हमारे चेस्ट में कलेक्ट हो सके। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो स्मूथ स्टोन लेना है, और जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी वही पोजीशन में लगाना है। और यहाँ पे जो हमारे स्प्लिट कंट्रोल्स है उसकी वजह से मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, अभी थोड़ा नया नया है, धीमे धीमे एकदम एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ले लेनी है रेड स्टोन, और रेड स्टोन को यहाँ पे पीछे लगा देना है, और इसके बाद जो हमारा रिपीटर ले लेना है और रिपीटर को यहाँ पे ऊपर की ओर लगा देना है। तो मतलब भाई साहब देख ही सकते हो स्प्लिट कंट्रोल्स अभी सही से जमे नहीं है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको रेडस्टोन लगा देनी है, और रेडस्टोन रिपीटर को इस तरह लगाना है कि जो इसके आगे के जो दोनों दो टी के वो सामने की ओर रहे, और जो हमारा रेडस्टोन कंपैरेटर है यहाँ पे लगेगा जो इसकी पूरी ऑपोजिट साइड में लगेगा, और उसके भी जो दो टिक होंगे वो उस तरफ होंगे और एक टिक इस तरफ होगा। तो मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ले लेनी है पावर ड्रिल, और उस पावर ड्रिल को यहाँ पे बैठकर हॉपर के ऊपर उसके बाजू वाले ब्लॉक पे लगा देनी है। अब इसकी मदद से होगा ये कि जब हम यहाँ पे माइनकार्ट विथ हॉपर रखेंगे
तो वो यहाँ पर से हमारे रेडस्टोन के सिस्टम से सामने जाएगी और सामने से इधर आएगी और जितनी भी पोर्शन है सारी की सारी कलेक्ट कर लेगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लीवर ले लेना है और उस लीवर को हम मैं जो ब्लॉक पे लगा रहा हूँ सेम आपको भी वही ब्लॉक पर लगा देना है। अब इसकी मदद से हम जब भी चाहे तो अब इसे ऑन ऑफ कर सकेंगे, हमारी मर्जी से माइनकार्ट भी वहाँ चला पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑफ कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पे स्मूथ स्टोन ले लेना है और स्मूथ स्टोन लेके आपको यहाँ पे ये वाले ब्लॉक पे आ जाना है और जो ये हमारा कॉल्ड्रोन है उसके ऊपर एक ब्लॉक लगाना है और उसके ऊपर एक और ब्लॉक लगा देना है और जो हमारा टेम्पररी ब्लॉक है उसे तोड़ देना है। अब इसके बाद हमें इसकी दूसरी साइड आ जाना है और यहाँ पे हमें हमारे जो 8 ब्लॉक्स है उन 8 ब्लॉक्स को लगा देना है। अब इसके बाद जो हमारे यहाँ पे हमें यहाँ पे साइड में एक ब्लॉक लगाना है और उसके ऊपर एक और ब्लॉक और जो नीचे वाला ब्लॉक है उसे तोड़ देना है। अब जो हमारी ये बीच का जो पूरी की पूरी लाइन है उसके आजू बाजू हमें इन स्मूथ स्टोन से इसको पूरी पूरी तरह से कवर अप कर देना है। तो यहाँ पे इसके साथ ये पूरा पूरा कवर अप हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वाटर बकेट ले लेनी है और आपको यहाँ पे पानी का अनलिमिटेड सोर्स बना देना है। आप यहाँ पे 2x2 ब्लॉक्स की जो वो ट्रिक है उससे भी कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पे एक ब्लॉक इधर डालिए और इधर डालिए, यहाँ पे आपका अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाएगा और इसमें से ही पानी ले लेके आप इसको पूरा का पूरा फिलअप कर दीजिए कि जिसकी वजह से जो हमारा वाटर होगा वो यहाँ पे स्टेडी हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ले लेने पॉइंटेड ड्रिपस्टोन और उन पॉइंटेड ड्रिपस्टोन को यहाँ पे बैठ कर आपको इसके नीचे लगा देने हैं ब्लॉक्स के नीचे। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे पॉइंटेड ड्रिपस्टोन लग चुके हैं। अब इसकी मदद से होगा ये कि जो हमारे पॉइंटेड ड्रिपस्टोन है उनमें से जो ये पानी गिर रहा है वो यहाँ पे कॉल्ड्रोन में आएगा और उसकी मदद से जो ये कॉल्ड्रोन होगा तो कॉल्ड्रोन में हमारी जो पोशन की क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे स्मूथ स्टोन्स ले लेने हैं और यहाँ पे सारे के सारे स्मूथ स्टोन ब्लॉक्स लगा देने हैं। इसकी मदद से हम जब यहाँ पे हमारे फार्म को एक्सेस करने आएंगे उसको जो अब जब हम उसका यूज़ करने आएंगे तो हमें ईजी रहेगा। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पे ले लेना है ब्रोइंग स्टैंड। अभी यहाँ पे मैं ब्रोइंग स्टैंड लेने का इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब इसे यहाँ पे लगा दोगे तो आपको जो भी पोशन आपको चाहिए मतलब जिसकी भी आप क्वांटिटी चाहते हो तो आप सिंपली से इधर आपको उसको एक बार बना देना होगा और एक बार बना देने के बाद वो पोशन्स बढ़ती जाएगी जितनी भी आपको चाहिए उतनी आपको मिलती रहेगी। तो मैंने अब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की पोशंस ले ली है। अब सिंपली से आपको यहाँ पे आना है और जो फर्स्ट टाइम है आपको जो भी आपको पोशंस चाहिए वो यहाँ पे कॉल्ड्रोन में डाल देनी है। अब मैंने यहाँ पे सारी की सारी सबसे पहले पोशंस अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी जो पोशंस है वो हमारे कॉल्ड्रन्स में डाल दिए जिसकी हमें और क्वांटिटी बढ़ानी है। अब सिंपली से आपको यहाँ पे वेट करते रहना है। अब इसकी जगह आप यहाँ पे कुछ काम करने भी जा सकते हो, आप बस काम करते रहना और जब ये पूरी की तरह से यहाँ पे भर जाएंगे तो अब आप यहाँ पे आ जाना और आप इसको यूज़ कर सकते हो और सारी की सारी जितनी भी पोशंस है उनको ले सकते हो। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि हमारे यहाँ पे जितने भी कॉल्ड्रन्स है वो सारे के सारे यहाँ पे भर चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपकी जो इन्वेंटरी में जितने भी जो ब्लॉक्स मतलब स्लॉट्स खाली है उन सारे के सारे स्लॉट्स को भर दीजिए कि जिसकी वजह से जो हमारी पोशन होगी वो सारे के सारे इसमें कलेक्ट ना हो पाए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ग्लास बॉटल ले लेनी है। अब यहाँ पे जो एक फुल कॉल्ड्रोन भरा हुआ होता है उसमें से आपको यहाँ पे दो पोशंस मिलेगी मतलब दो पोशंस की बॉटल मिलेगी। अब इसके अंदर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसमें फिर से पानी गिरेगा और वो फिर से यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही बार पोशन बनानी है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अनलिमिटेड पोशंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे माइनक्राफ्ट विथ हॉपर रखना भूल गया था तो सबसे पहले इसे रख देते हैं और इसके बाद हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी माइनक्राफ्ट विथ हॉपर जाएगी और ये जो पोशंस है उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। एक ही बार में सारे के सारे कलेक्ट नहीं होते, वो जितने कलेक्ट होते उतने चेस्ट में डालेगी, फिर से आएगी, फिर से कलेक्ट करेगी और सारे के सारे चेस्ट में इसे डाल देगी। तो मैं अब आपको बता देता हूँ चेस्ट में कि हमारी कितनी पोशंस यहाँ पे कलेक्ट हुई है। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि इतनी सारी आपको यहाँ पे पोशंस मिल रही है, वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई मटेरियल भी यूज़ नहीं करना और फिर भी इतनी सारी आपको पोशंस मिलती रहेगी, आपको जितनी भी चाहिए अनलिमिटेड। तो
बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। और जल्दी से जल्दी हमारे 10K सब्सक्राइबर करवा दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।